हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है एसएससी कांस्टेबल जीडी का। बात करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम 11 फरवरी का। कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए? मैं उसमें माइनस थी नहीं तो मैंने 100 में 100 किया था, लेकिन उसमें मेरे 85 क्वेश्चन सही होंगे। 80 क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट किए थे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हाँ, इसलिए पूरा करना पूरा किया था। आपने कितने किए? 75 नंबर का। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था, कॉन्स्टेबल के हिसाब से अच्छा बनाया था। क्या क्वेश्चन क्या था? कुछ करंट का बताएं, क्या था क्वेश्चन? करंट का जो पूछा था, जो एक तो पूछा था उसका मानसी छिल्लर का, जो 2017 का था मिस वर्ल्ड का, नोटबंदी का। क्या क्वेश्चन आया था? क्योंकि ये आया था 500 किस वर्ष बंद हुआ था? 2016 में। अच्छा, किस वर्ष बंद हुआ है 500 और 1000 का नोट? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो ना वो वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आया था। क्या क्वेश्चन क्या था उसका? क्वेश्चन था कि सबसे ऊंची मूर्ति किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी थी। और इकोनॉमिक्स से कुछ आया? इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आया। अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? वो उत्तरायण वाला विश्वविद पूछा था उसका, मोहम्मद वारी ने जिसको हराया था। और पॉलिटिकल नाम पूछा था? नाम पूछा था। कुछ बताइए, मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक को टच हुआ है उसके? उसमें हुआ था SICI का हुआ था, टाइम एंड वर्क का हुआ था, परसेंटेज का हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ था, और क्षेत्रफल के भी 2-3 क्वेश्चन थे, एवरेज का भी 1-2 था, ऐसे करके उसमें ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनमें आपको टाइम लगा ज़्यादा। एक क्वेश्चन था सर। क्या? एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। ए, किसी कार्य को 105 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है, और सी इस ए प्लस बी इस काम को 126 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत थी, ये थी दिक्कत। और कोई इसमें से क्वेश्चन आए थे मैथ में थे, अनुपात वाले, समानुपात वाले, मतलब 4 क्वेश्चन थे उसमें से। एक साधारण सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था कि 2 वर्षों मतलब इतने गुना हो रहा है, तो मतलब 1024 कितने वर्षों में गुना हो जाएगा? अच्छा। लॉस में से क्वेश्चन आया था सर। क्या आया था? प्रॉफिट मतलब 225 रुपये दे रहा था, और मतलब 1225 रुपये में मतलब हानि हो रही है, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है उसमें? मैं चलाया था उसमें अनुपात सनुपात के 4 क्वेश्चन थे, और एक थी साधारण ब्याज थी, मेंस्युरेशन का क्वेश्चन, एक कोई क्वेश्चन नहीं था, दो थे टाइम एंड वर्क के, 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से। क्या आया उसमें? आया था कि ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उसका नहीं, एक 4 दिन पश्चात कार्य करना बंद कर देता है, तो बी बी उस दिन को कितने दिन में कर सकता है? एक एक करके बोलिए, आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही है। ऐसे करके उसमें क्वेश्चन थे, पेपर बहुत ही इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। 93 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं उसमें। 93 के? हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं। अच्छा, कथन निष्कर्ष वगैरह भी था? 2 क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष। क्या थे क्वेश्चन? ऐसे थे कुछ नहीं, कोई गाय बिल्ली नहीं है और कोई बंदर गाय नहीं है, तो बताइए मतलब फिर उसमें निष्कर्ष निकालना होता था, उसका एक निष्कर्ष निकल रहा था। सेकंड 2 क्वेश्चन पाई चढ़ गए थे सर। उसमें क्या क्या था? उसमें एक 2 बार में उसमें प्रॉफिट पूछ रहा था, लाभ हानि हो रही थी, और एक में उसका क्वेश्चन था उसमें अपर्याप्त दे रहा था, उसमें आ नहीं रहा था, ये क्वेश्चन था उसमें। हिंदी में आपने हिंदी लिया था? हाँ सर। क्या है हिंदी में, क्या क्या है? हिंदी में पर्यायवाची दे दो, और वो थी त्रुटि, कितनी त्रुटि वाली आए थे? 4 आए थे त्रुटि वाले, और 2 आए थे वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। क्या थी शुद्ध वर्तनी में, क्या पूछा? जैसे उदाहरण में था अजन्मा, अजन्मा, सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है? अजन अजन्मा शब्द कैसे लिखा जाता है? ये था। और बाकी अशुद्धि, शुद्धि अशुद्धि के लिए आया था, और पर्यायवाची आई थी, बच्चे उसमें था, विलोम शब्द भी थे उसका, था उत्थान का था, पतन, ऐसे करके विलोम शब्द भी थे उसमें। अच्छा, अगर जैसे हिंदी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो बाकी जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज का, तो वो हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है? हिंदी में आ रहा है। हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। जिसकी जो जो चॉइस हो आपकी लैंग्वेज, अगर हिंदी या इंग्लिश, तो उसमें से एक नहीं, मतलब स्टार्टिंग में ही पूछ, स्टार्टिंग में ही ये सेलेक्ट करना होता है, या स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट करना होता है लैंग्वेज सेलेक्ट? अच्छा, उसी के अनुसार फिर आने लगता है? बिल्कुल जी सर। रीजनिंग आ रही सर सबसे पहले, सबसे पहले रीजनिंग में मैंने 100 में 100 किए थे। इतना टाइम मिल गया टोटल करने का मैथमेटिक्स और रीजनिंग में? 10 मिनट शेष बचे थे। 10 मिनट शेष बच गए आपके? अच्छा, मतलब इसका मतलब क्वेश्चन आसान आ रहा है, सही आ रहा है, लेवल सही आ रहा है।
क्या था जैसे जनरल अवेयरनेस की बात करें तो? जैसे कि मनरेगा योजना कब बनी थी, ऐसे क्वेश्चन थे। ये भी पूछा है, ईयर पूछा है। ईयर पूछा है, मानवाधिकार का गठन कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन। मानवाधिकार आयोग का और हिस्ट्री वगैरह से भी आया क्या क्वेश्चन? क्या युद्ध, युद्ध उसका युद्ध किससे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन। टीपू सुल्तान का युद्ध किससे हुआ था? पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे। क्या था? जैसे अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट भी पूछ दिया और आसान भी पूछ दिया, सब है। मिक्स था। हाँ मिक्स था। संविधान से, संविधान से, संविधान से एक दो क्वेश्चन बने थे। एक दो क्वेश्चन क्या थे वो, याद नहीं है? याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात। बायो से क्वेश्चन थे एक दो। हाँ, क्वेश्चन क्या थे क्वेश्चन? मुझे याद नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, क्या थे क्वेश्चन स्पोर्ट्स? जैसे कि किस खेल का संबंध किस से है। अच्छा, कुछ ध्यान है क्या क्वेश्चन था? जैसे क्रिकेट फील्ड से संबंधित है तो स्केटिंग किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा अच्छा, ये पूछा कि किस खिलाड़ी के क्या संबंध है वगैरह। जैसे किस खिलाड़ी ने कौन सी बुक लिखी है, वो भी पूछी जा रही है। वो भी पूछा है, बुक के बारे में पूछा है। बुक का नाम, बुक का नाम पूछा है, किस खिलाड़ी से संबंधित है। अच्छा, वो भी पूछ डाला है। ओके, कौन सी बुक थी वो? बुक का नाम ध्यान में नहीं हो, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक को टच हुआ है और क्या क्या? मैथमेटिक्स में आपका एवरेज से हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस से हुआ है और आपका CI और SI से हुआ है और रेशियो से हुआ है, बस रेशियो से। क्या क्वेश्चन थे वो, कुछ क्वेश्चन बताएंगे? जैसे रेशियो पूछ लिया ABC में। हाँ। और जैसे ब्याज दे दी तो मूलधन पूछ लिया या दर पूछ ली, ऐसे क्वेश्चन थे उससे। आपका हिंदी था या इंग्लिश? हिंदी था मेरा। हिंदी था। हिंदी तो ज़्यादातर का हिंदी ही है, तो क्या आया हिंदी में? हिंदी में तो नॉर्मल है, उसमें जैसे कि एरर पूछ लिया, गलत सही कि इसमें लाइन दे दी कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। कुछ उदाहरण बताएंगे किसका लाइन? जैसे बर्तनी पे आधारित क्वेश्चन थे कि जैसे मेल या फीमेल, जैसे कि बोल दिया कि चार बच्चे नहा रहे हैं, बारिश में नहा रहे हैं, तो बच्चे नहा रहे हैं, कहीं लिख दिया बच्ची नहा रही हैं या बच्चा नहा रहा है, तो इसमें से ऐसे संकेत। ये कैसा लगा आपको एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा लगा। आपने इससे पहले RPF का भी दिया है? मैंने, मेरा UP पुलिस का क्वालिफाई हो गया है। अच्छा, मेडिकल रह गया है उसका। बहुत बढ़िया। और RPF का भी दिया था मैंने। अच्छा। और उन सब से इसमें कैसा रहा, अब तुलना करें तो क्वेश्चन के पैटर्न में? क्वेश्चन के पैटर्न में देखा जाए तो उनसे ये सही है। जैसे अभी यूपी पुलिस का हुआ है उससे इसका स्टैंडर्ड लो है, उसका लो है स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब कट ऑफ जाता जाएगा। हाँ, कट ऑफ जाता जाएगा। यही होता है। कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने? पूरे 100 के 100 दिए। 100 के 100, उतना टाइम मिल गया सबको करने का? हाँ, टाइम मिल गया। अच्छा, क्या था करंट से, क्या क्वेश्चन था? करंट के क्वेश्चन ऐसे याद नहीं है। हाँ। पुरानी चीज़ ज़्यादा थी। क्या थी? जैसे जैसे कि उसमें से आया था, संविधान में से आया था। हाँ, क्या आया, क्या संविधान? तो मोल के था 2829 कौन सा ऐसा करके क्वेश्चन आया था एक। अच्छा, ये भी पूछा है। हाँ। और जी के बहुत सारे क्वेश्चन थे। और कुछ स्पोर्ट्स से? स्पोर्ट्स से किताबें आई थी, स्पोर्ट्स GK में। स्पोर्ट्स से किताबें? बुक के बारे में पूछा गया स्पोर्ट्स में? किसने, सचिन ने लिखी है या विराट कोहली ने लिखी है या? अच्छा, वो बुक का नाम था, उसमें ऑप्शन था कि सचिन ने लिखी है या किसने लिखी है। हाँ। वो बुक। हाँ, बुक। और स्पोर्ट्स से और कोई क्वेश्चन नहीं आया था। रिलेशनशिप कंसेप्ट से भी आया, ब्लड रिलेशनशिप एक दो क्वेश्चन आया। क्या था वो? जैसे ए मेरी माता है तो बी का भाई कौन होगा, ये पूरा डिफाइन किया हुआ था उसमें से, ये बताना था। हाँ, बताना था। मतलब एक तरह से पैटर्न लगभग सेम ही चल रहा है, जो कांस्टेबल RPF का हुआ, UP पुलिस का हुआ, ऐसा ही कुछ लगा या उससे भी आसान था पेपर ये? ना, उससे थोड़ा आसान था। आसान था पेपर, थोड़ा सा आसान था UP पुलिस से। RPF का अभी दिया नहीं है मैंने। हाँ। उससे आसान था UP पुलिस से। आप लोगों का हो गया एग्ज़ाम? अभी होना है। तो SSC GD कॉन्स्टेबल के सेकंड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आए, आपने देखे। अब तीसरे शिफ्ट में भी आपको बताएंगे। और लगातार इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबाएं। मैं सन्मय प्रकाश, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।